नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और अब तक की खास खबरें। पूरे भारत में दिखा सूर्य ग्रहण। आज देश भर में लोगों ने सूर्य ग्रहण का नजारा देखा। अधिकांश जगहों पर आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया, तो केरल और तमिलनाडु में कई जगह रिंग ऑफ फायर भी बना। कई जगह दिखा रिंग ऑफ फायर का नजारा। साल का तीसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण गुरुवार को सुबह 8:17 पर शुरू हुआ। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में अद्भुत नजारा दिखाई दिया। केरल के कासरगोड और तमिलनाडु के कराईकुडी में रिंग ऑफ फायर दिखाई दिया। यह इस दशक का आखिरी सूर्य ग्रहण भी है। सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। सूर्य ग्रहण का लोग देश भर में उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। दुनिया भर में लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से रिंग ऑफ फायर का नजारा देखा। अबू धाबी से लेकर कासरगोड तक सभी जगह मैंने रिंग ऑफ फायर की तस्वीरें देखने के लिए लोग उत्सुक दिखाई दिए। पीएम मोदी ने भी सूर्य ग्रहण का नजारा देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज सुबह सूर्य ग्रहण का नजारा देखा। उन्होंने ट्विटर हैंडल से तस्वीरें शेयर की। मोदी ने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का असर रणजी मेज 2 घंटे लेट। 26 दिसंबर को दशक का आखिरी सूर्य ग्रहण था। इसका असर इंदौर में मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बीच चल रहे रणजी मेज पर भी पड़ता दिखाई दिया। मैच समय से 2 घंटे लेट शुरू हुआ। क्रिकेट के इतिहास में संभवतः पहला मौका है जब ग्रहण के कारण मैच देरी से शुरू हुआ। नासा की चेतावनी सूर्य ग्रहण को लेकर। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी चेतावनी जारी कर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी थी। नासा ने कहा कि ग्रहण के दौरान सूर्य को भूलकर भी सीधे नग्ना आंखों से ना देखें। मंदिरों के पट बंद। सूर्य ग्रहण के दौरान 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जिसके चलते मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 25 दिसंबर को रात 8 बजे देश भर के मंदिरों के कपाट बंद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव नकारात्मक होता है। मंदिर को काली शक्तियों और नकारात्मकताओं से बचाने के लिए बंद किए गए कपाट। एनपीआर पर सियासी संग्राम, सवालों के घेरे में मोदी सरकार। नागरिकता कानून यानी कि सीएए और एनआरसी को लेकर छिड़ा विवाद अभी शांत नहीं हुआ है कि अब एनपीआर को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। एनपीआर पर गृह मंत्री अमित शाह की लाख सफाई के बाद भी एनपीआर का एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। विपक्ष पूरे जोर शोर के साथ एनपीआर को एनआरसी लाने की दिशा में पहला कदम बता रहा है। पश्चिम बंगाल के मंत्री को नहीं मिला बांग्लादेश का वीजा। बांग्लादेश के उप उच्चायोग ने पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी को बांग्लादेश का वीजा देने से इनकार कर दिया। चौधरी 26 से 31 दिसंबर तक बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले थे। रघुबर दास के खिलाफ एफआईआर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की जाति को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कार्यवाहक मुख्यमंत्री रघुबर दास के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर। यदि फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर।